गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सोनाली और आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं कुछ ज़्यादा खास नहीं, बट यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस एज वेल। टाइम व्हेन आई वाज जस्ट फॉन्ड ऑफ मेकअप, आई स्टिल रिमेंबर माय ग्रेजुएशन माय मास्टर्स व्हेन आई वाज जस्ट फोकस्ड ऑन द मेकअप साइड। आई यूज टू नॉट गो आउटसाइड माय प्लेस बिकॉज आई यूज टू फील अनकंफर्टेबल इन माय ओन स्किन। आई यूज टू फील लाइक यार मैं मेकअप नहीं करूंगी तो मैं सुंदर नहीं लगूंगी, विच वॉज इवेंचुअली नॉट द थिंग वॉज दैट वॉज इन माई माइंड कि ऐसा मुझे लगता था। अब ऐसा होता है कि मैं कैंपस हायरिंग के लिए जाती हूँ, टच वुड अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, इट्स ऑलवेज अ मॉइस्चराइजर विच आई अप्लाई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट It's been 3 approx years where I have even parties where I jaati hu, I have not used any foundation. The money which I could spend in a foundation and what I believe is like usse kuch apne liye acha sa skin ke liye le lu wo zyada fayda banta hai as comparatively using a makeup. Ab main kisi ko dishearten nahi kar rahi hu ki bhaiya tum main product use nahi kar rahe ho tum bhi mat karo, but comparatively what I think like ki agar hum apni work life balance karne ki koshish karenge, if we comparatively makeup ka upyog thoda kam karenge to aapki skin thodi si saans legi, usko ghutan ho jati hai literally. Mujhe aisa lagta hai jaise mere ko bhi kisi cheez mein paltu batka do mere ko ghutan ho jati hai, waise comparatively main kisi cheez ko apni skin ko acha lagane ke liye agar main foundation ka use kar rahi hu aur mujhe usse ghutan ho rahi hai, you got my point, matlab meri skin ko is not able to feel fresh, so what is the use of using that makeup, right? Powdery flaky thing. So what I did was like I stopped using any of the product, like I stopped using the moisturizers, although I have dark circles up, I stopped using foundations, I stopped using concealers, I stopped using anything which could be very disheartening for my skin because what I believe was at that time to go natural. And मैंने जो 2018 में अपनी जॉब करनी शुरू करी उसके तीसरे महीने से ही मेरे को अकल आ गई थी कि भैया बेटा सोनाली काम नहीं चलेगा, एक घंटा तो मेकअप पर लगाएगी, एक घंटा अपने काम पर लगा, तो तब मेरे को अकल आई और फिर मैंने दिस इज हाउ माई जर्नी विद माई स्किन स्टार्टेड एंड आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन माई ओन स्किन। आई यूज टू बी लाइक कि आई कैन गो आउटसाइड विदाउट फीलिंग और विदाउट गेटिंग जज कि तू कैसी लग रही है, बिकॉज उस टाइम मैंने ऐसा कर दिया कि मैं अपनी फेवरेट वाला चीज़। सो यस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ अस टू हैव दैट करेज। मतलब मेरे को अभी भी मतलब इट्स लाइक कि हाँ मेरे आई एम अवेयर दैट द फ्लॉज विच आई हैव बट स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट बैड थिंग। तो एवरी वन इवेंचुअली हैज़ टू बी, मतलब आप मेकअप के सहारे पूरी जिंदगी काटने की सोच रहे हो तो वो नहीं है, क्योंकि आई हैव सीन पीपल डूइंग लाइक कि वो मेकअप इसलिए लगाते हैं कि सुंदर लगे, उनको कोई नोटिस नहीं करेगा। आपकी आउटर ब्यूटी इंपॉर्टेंट है पर इनर ब्यूटी से ही आपकी आउटर ब्यूटी झलकती है। अगर आप मेकअप भी ना लगाओ पर आपका दिल अच्छा है ना तो कंपेरेटिवली लोग विल कम टू यू फॉर एनी प्लेस। सो आई होप आई एम एबल टू मेक इट अंडरस्टैंड इफ यू आर समबडी हूज इन टू मेकअप जस्ट बिकॉज यू थिंक लाइक यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटिफुल, देन Please guys, please sure on that part, you are always looking beautiful. It's just that your mind needs to understand that thing. Once your mind understands that thing, eventually everything is beautiful around you, even you. और अगर आप मेकअप इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगता है then good for it, go for it. But my reason is like give your face the उसको सांस लेने का मौका दो, which is very important eventually. क्योंकि I have seen models and everyone, they've been very like they're like सोनाली I'm comparatively यार we are looking for the things कि हम मेकअप से बाहर निकले और फिर सांस लें, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड ऑन दैट पार्ट।